एक सप्ताह पूर्व आई आंधी से बेपटरी हुई विद्युत आपूर्ति अभी कई इलाकों में सुचारू रूप से बहाल भी नहीं हो पाई थी कि बुधवार शाम फिर से आई आंधी में महमूदाबाद महोली कसमंडा क्षेत्र में आधा सैकड़ा से अधिक पोल टूट जाने से सैकड़ों गांव की बिजली गुल हो गई। भीषण गर्मी में आपूर्ति ठप होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मार्गों पर पेड़ गिरने से आवागमन में दिक्कतें बनी हुई हैं। विभागीय कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शाम तक सप्लाई शुरू किए जाने के प्रयास जारी हैं। कसमंडा संवाददाता के अनुसार बुधवार शाम तेज हवा में बारिश के कारण कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत निवादा से बल्दीपुरवा जाने वाली विद्युत लाइन पर नहर खीरी ब्रांच के किनारे लगा विशाल काय नीम का पेड़ जड़ से उलटकर 11,000 लाइन के तारों पर गिर गया, जिससे 4 खंभे टूट गए और लगभग 300 घरों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे 2,000 लोग प्रभावित हुए हैं। खंभे टूटकर गिरने से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। मिश्रित संवाददाता के अनुसार क्षेत्र में बुधवार शाम 5:30 बजे तेज धूल भरी आंधी आई, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, लेकिन 10 बजे रात्रि में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिल रही है। संदना संवाददाता के अनुसार क्षेत्र में भी हल्की आंधी आई, विद्युत आपूर्ति बाधित रही, लेकिन 11 बजे आपूर्ति बहाल हो गई। मास्टर बाग संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के बल्दीपुरवा बहादुरपुरवा मढ़िया 3 गाँव की विद्युत आपूर्ति ठप है। बुधवार शाम को आंधी आने के बाद से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका। बिजली न आने से रात भर मास्टर बाग व क्षेत्र में अंधेरा रहा। रात भर लोग सो नहीं पाए। समरसेबुल न चलने से पेयजल की दिक्कत बनी हुई है। सिधौली फीडर के जय सौरभ सक्सेना ने बताया कि रोस्टिंग की समस्या है, जबकि सिधौली फीडर से जानकारी की गई तो वहां से पता चला कि बिजली के तार टूटे हैं, सही किए जा रहे हैं। कचनार संवाददाता के अनुसार इलाके में बुधवार शाम तेज आंधी आने के बाद बिजली गुल हो गई थी, जो गुरुवार को 11:45 पर बिजली की आपूर्ति बहाल हो पाई। रात भर बिजली न आने से भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों ने हाथ के पंखे का सहारा लिया। रामपुर मथुरा संवाददाता के अनुसार बुधवार शाम को आई तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केले व आम की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है, जो कि अभी भी सही नहीं हुई है। अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पटेल ने बताया कि 11,000 लाइन की पोल टूटने की वजह से विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। कॉम्बिंग कराई जा रही है, जल्द ही जल्द आपूर्ति चालू की जाएगी। बिजली न आने से उत्पन्न समस्या पर गांधर स्वाभिमान मंच के संयोजक राम मनोरथ अवस्थी आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। राम मनोरथ अवस्थी, संयोजक गांजर स्वाभिमान मंच। कल शाम को जो आंधी आई, यूं तो पूरे देश में नुकसान आंधी से हुआ, लेकिन हमारे गांजरी क्षेत्र जो है ये आपदाओं वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी नुमा जो गाँव में घर हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। छप्पर उड़ गए हैं, टीन शेड उड़ गए हैं, लोगों के जानवर खुले में रहने लगे हैं, भूसा वाले घर के छप्पर और टीन सेट उड़ जाने से उनको नुकसान हुआ है। बिजली लाइन गांव तक जाने वाली बिजली लाइन जो है वो पेड़ों के गिरने से, पोल के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिनको सुधारने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और इस तरह की जो आंधी से हुए नुकसान, इसकी भरपाई के लिए सर्वे करवाकर उनको मुआवजा दिलाया जाना उचित है, ये प्रशासन से ऐसी मांग है। धन्यवाद। अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बताया कि महमूदाबाद और महोली में आंधी का ज्यादा असर दिखा है। आंधी से महमूदाबाद क्षेत्र के करीब 40 और महोली क्षेत्र में 15 विद्युत पोल टूट गए हैं। पोल टूटने से कई गांव की आपूर्ति ठप है। युद्ध स्तर पर काम कराया जा रहा है। सायंकाल तक आपूर्ति बहाल हो जाने की उम्मीद है।